गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों के यूट्यूब चैनल हैप्पी कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और कड़ी। घातांक और कड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे और जितने लोग टेस्ट देना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग का, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय रोशन सर, आपको ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर ले। या आप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा घातांक और कड़ी के क्वेश्चन को लगाने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे घातांक के नियम को, फिर उसके बाद समझेंगे कड़ी के नियम को। तो घातांक के नियम में मैंने पहला लिखा है कि इसे ए है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब बी एस बराबर होता है, ध्यान समझिएगा, दो वैल्यू है, एक है ए पावर एम इंटू दूसरा है ए पावर एन, ठीक है। जब दोनों का बेस बराबर होगा तो इनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इसका ये रूल होगा कि जब बेस बराबर है तो इसके पावर जुड़ जाएगा, यानी m प्लस क्या हो जाएगा, n हो गया, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसा कि अगर हम बोले कि मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है ना, एक संख्या x है और दूसरा है इसमें मल्टीप्लाई कराना है x क्यूब, तो इसकी वैल्यू आप लोग लिखते हैं ना x पावर 4। कैसे लिखते हैं आप लोग? तो इसके पावर 1 हो गया ना, तो देखिएगा बेस बराबर है तो बेस तो x हो गया, पावर 3 और 1 4, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से हमने तीन वैल्यू ले रखा है यहाँ पे, तो a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p है। तो जब सबका बेस बराबर होगा, जब सभी का बेस बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, इनके पावर को जोड़ देंगे, यानी a पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले ले, मान लीजिए x पावर 2 है इंटू x पावर 3 है इंटू x पावर 5 है। इसको सॉल्व करना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, x पावर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है ना, ये लिखा जाएगा। जिसे आप जोड़ेंगे तो x पावर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे x पावर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। इसमें देखिएगा दूसरा क्या दिया गया है, जैसे a पावर m अपान ए पावर एन है, तो कोई वैल्यू जैसे अपान में होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, ये तो हर में है ना, देखिएगा ए पावर यम अपान ए पावर एन, यानी ये डिनोमिनेटर में है, हर में है। तो इस वैल्यू को जब हम अंश में ले जाते हैं यानी न्यूमिनेटर में ले जाते हैं इस वैल्यू को, तो पावर चेंज होता है। पावर चेंज होने का मतलब ये होता है कि जब अगर पावर यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं ए पावर यम इंटू ये वैल्यू जो है हर से अंश में जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा ये तो ए पावर, अब देखिए जो यहाँ पे यन है वो तो प्लस में है, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यन लिखेंगे। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं ए पावर यम माइनस यन, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। तो ऐसा यहाँ पर ए पावर यम माइनस एन हो गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो अंश और हर का गेम होता है उसे समझिएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन मान लीजिए अंश में है, उसे यहाँ पे कोई संख्या अंश में है, उसे आप हर में ले जाएंगे, यानी ऊपर से जब नीचे ले जाएंगे तो पावर चेंज होगा। सिर्फ पावर चेंज होता है, पावर का मतलब है कि प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, सिर्फ इतना ही काम करना होता है। अब देखिएगा यहाँ पे थर्ड है, ए पावर यम है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया गया, उसके पावर क्या है, यन लिखा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे ए, जब ब्रैकेट ओपन होता है, जब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो पावर का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे ए पावर यम यन, क्या बोलेंगे आप, ए की पावर यम यन। अच्छा देखिएगा फोर नंबर, अब इसी प्रकार से है, यहां और यहां दोनों में हम अंतर देखेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसे देख लेते हैं, ए पावर यन है, ए पावर क्या है, यन है, और यन के पावर क्या दिख रहा है आपको, यम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसे लिख सकते हैं ए पावर यन मल्टीप्लाई यन मल्टीप्लाई यन यम बार, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ए पावर यन मल्टीप्लाई यन मल्टीप्लाई यन कितनी बार, यम बार। अब देखिए ये जो तीसरा और चौथा है दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया गया, उसके पावर यन लिखा गया, यहाँ पे कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट यन के पावर यम लिख दिया गया। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे इसे आप ऐसे भी कर सकते, ए पावर
यम पावर यम, तो इसी प्रकार का हो जाता ना। तो अब देखिए इसे क्या लिखेंगे आप, ए पावर यम इंटू यम इंटू यम, ये कितनी बार हो जाएगा, कहेंगे एन बार। अब दोनों में बात करते हैं अंतर की, दोनों में अंतर क्या, तो समझिएगा अंतर। देखिएगा जब ये नंबर आएगा थर्ड वाले की बात होगी, तो इसका जो एग्जांपल होगा आप बोल सकते हैं टू पावर थ्री और ऐसे टू, इस तरह से बोल सकते हैं किसका, ए पावर एम फिर ब्रैकेट पावर एन, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं टू पावर थ्री फिर पावर टू। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर का पावर के साथ गुणा होगा, यानी थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी टू पावर सिक्स। अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, इसको लिखेंगे टू पावर, क्या लिखा जाएगा टू पावर थ्री पावर टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस फॉर्मेशन में हमने चेंज किया, इसका मतलब हुआ दो के घाते तीन है और तीन के घाते दो है, यानी कि आप तो बोल रहे हैं दो के घाते तीन है और तीन के घाते क्या है दो है, यानी आप इसे लिख सकते हैं दो उसका तीन के भी घाते दो है, यानी तीन का दो बार गुणा है, यही तो लिख सकते हैं तीन के पावर टू, यानी कि तीन का स्क्वायर क्या कर सकते हैं तीन गुणे तीन। तो वही चीज यहां पर लिखा गया यम के पावर एन, यानी यम की वैल्यू कितनी बार एन बार, तो यम इंटू यम इंटू यम वो एन बार। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, तो कहेंगे दो और ये तीन गुणे तीन कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में अंतर है ना, इसकी वैल्यू टू पावर सिक्स आया, इसकी वैल्यू क्या है टू पावर नाइन, तो दोनों एक दूसरे से अलग है, क्यों अलग है ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलिएगा फाइव पर चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए पावर माइनस एम है, तो हमने कहा था इसे जब ये वैल्यू अंश में है इसे हर में ले जाएंगे, तो यानी इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसका पावर सिर्फ चेंज होगा, पावर चेंज होने का मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आप ए पावर एम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर इसे देखा जाए यहां पर, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, यहां माइनस था इसको जब अपान में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगर आपको लिखा गया ए बी और दोनों की पावर यम है, ए बी है दोनों की पावर यम है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब आप यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर जो यम है वो दोनों संख्याओं के साथ जाएगा, संख्याओं मतलब यहां पर यम ए के साथ भी जाएगा, यम बी के साथ भी जाएगा, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं ए पावर यम और b पावर m, ये चीज आप लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले इसका, मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं तीन गुणे पांच के पावर टू, ऐसे लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तीन के पावर दो गुणे पांच के पावर दो, ठीक है, इस फॉर्मेशन से आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसका गुणा कराकर पांच पंद्रह का स्क्वायर करेंगे, पांच गुणे तीन पंद्रह ना, पंद्रह का स्क्वायर कर दीजिए, या आप इसको तीन का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। अब देखिएगा यहां पर जब ब्रैकेट, यहां पे ए अपान बी फिर ब्रैकेट क्लोज है उसके पावर एम है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर दोनों वैल्यू के साथ जाएगा, यानी ए पावर एम हो जाएगा और बी पावर एम हो जाएगा, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर देखिएगा एट में ए पावर जीरो है, किसी भी संख्या के पावर जीरो की वैल्यू सदैव वन होता है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया टेन है, उसके पावर जीरो है, इसकी वैल्यू पूछा गया तो आप बताएंगे वन, हमने कहा किसी भी संख्या के पावर जीरो का मतलब होता है उसका वैल्यू सदैव वन होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये नौ नंबर पे चले जाते हैं, इसमें दिया गया ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एन, यदि बेस बराबर है और बीच में इक्वल का सिंबल है, यानी बराबर का सिंबल है, बेस यहां और यहां बराबर है और बीच में बराबर का सिंबल है, तो इसका जो पावर होगा घात होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि यम बराबर यन के, कब, जब बेस बराबर तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे हमने कहा ए पावर यम इक्वल टू बी पावर यम, ठीक है ना, ये तो हो गया, ये समझ में आ गया। उसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी दिया जाता है, यदि a के घाते m है बराबर b के घाते m है, तो यदि पावर बराबर है तो बेस आपस में बराबर होंगी, यदि पावर बराबर में है तो बेस भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो हम बोल सकते हैं a बराबर b के। तो ये बातें आप याद रखिएगा, कुछ और इसमें है, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं, चलेगा कर्ली के नियम चलते हैं। पहला नियम यहाँ पर दिया गया है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंतर्गत है n, फिर कर्ली लगा है, रूट लगा है ए पावर n, ठीक है ना। तो देखिएगा पहले हम इसके इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जैसे अगर कोई वैल्यू रूट में a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं
ए पावर 1/2। यहां पे जब कुछ नहीं लिखा जाता, रूट इस तरह लगा दिया जाता है, जब यहां पे कुछ नहीं बताया जाता तो इसका मतलब यहां पे 2 होता है, वो दर्शाया नहीं जाता, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ में आ गया। अगर ए, अब ऐसे 3 है यहां पर, तो हम इसको लिखेंगे ए पावर, क्या लिखेंगे, ए पावर 1/3 इस, ठीक ना, क्यूब रूट ए का वैल्यू होता है ए पावर 1/3। उसी प्रकार यदि यन, ठीक है ना, यन रूट लगा ए है तो इसकी वैल्यू होगा 1/n, ए पावर 1/n। तो देखिएगा उसी प्रकार से यहां है तो आप इसे लिख सकते हैं कड़ी में ए पावर 1/n, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, यन कड़ी में ए को लिख सकते हैं ए पावर 1/n, और इस ब्रैकेट के ऊपर क्या है, यन है। तो हमने अभी घातांक में आपको पढ़ाया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट को ओपन किया जाता है तो पावर का एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये यानी इसको कैंसिल कर देगा, तो ए के पावर क्या बचेगा, तो कहेंगे ए के पावर 1, या इसे बोल सकते ए बचेगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि यहां पर देखिए ध्यान समझिएगा, यदि यहां पर n और a है, उस सभी के पावर n है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, a होता है। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल क्या होगा। तो देखिएगा अगर हमने कहा कि देखिए रूट, मान लीजिए रूट a है, इसी का स्क्वायर कर दे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर रूट a या रूट में कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही वैल्यू बचता है ना, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे a हो जाएगा। कैसे होगा वो समझते हैं ना, इस नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। क्यों बचता है वो आप जान गए। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं a पावर 1/2, ठीक है, रूट a को, उसके पावर क्या है, 2 है, ब्रैकेट ओपन होगा, a पावर 1/2 इनटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ a बचेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर जो लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि m है और रूट है, उसमें दो संख्या है a और b, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर a और b अलग होंगे तो इनका रूट अलग अलग हो जाएगा, a m रूट a इंटू यम रूट बी, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि यम रूट के अंदर ए बी को हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि यम रूट ए और यम रूट बी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी आपको इस तरह से ऐसे भी मिल सकता है, रूट में मान लीजिए ए बी है, ए और बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं रूट ए और रूट बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का अगर रूट ए गुड़े रूट बी है तो इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं आपस में, ठीक है ना। रूट अगर बराबर है, स्क्वायर रूट ही है, तो ए बी हो जाएगा रूट के अंदर। जैसे यहां पर देखा जाए यम है ना, रूट यम रूट है, यहां भी यम रूट है, यानी रूट आपका बराबर है, तो इसकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके यम रूट के अंदर ए बी लिख सकते हैं। अब इस पर अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। इस पर कोई नंबर लेकर बात करें, जैसे कि मान लीजिए नंबर में 2 × 3 है और यहां पर 5 है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 √2 और यहां पे लिख सकते हैं 5 √3, ठीक है ना, आपस में मल्टीप्लाई का सिंबल लग सकते हैं। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे ये दिया गया थर्ड में, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल रूट यम है, रूट में ए अपान बी है, तो आप लिख सकते हैं ए यम रूट ए और यम रूट क्या लिख सकते हैं, बी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसी वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे यहां पर है, इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा, यम रूट के अंदर ए है, फिर पावर क्या है, यन है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में ए पावर 1/m, कोई दिक्कत है, यम ए को क्या लिख सकते, यम रूट ए को लिख सकते हैं ए पावर 1/m और पावर क्या है, यन है। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, 1/m इंटू यन हो जाएगा, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ए पावर क्या होगा, यन बाई यम हो जाएगा, क्योंकि यन का मल्टीप्लाई 1 में होगा ना, तो यन अपान यम हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा गया यम रूट में, फिर यन रूट में ए है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे यम रूट को, तो आप लिखेंगे यन रूट ए और इन सब पर, इन सब के ऊपर क्या है, रूट में यम है, तो इसकी वैल्यू होगा 1/m। बोलिए समझ में आया ना, रूट यन रूट ए इसके ऊपर है क्या, यम रूट, तो यम रूट की वैल्यू क्या होगा, 1/m होगा, तो ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे ए पावर 1/n, इसकी वैल्यू यन रूट ए की वैल्यू ए पावर 1/m
और उसके बाद ये जो रूट है ठीक है इसके सॉरी ये जो ब्रैकेट है इसके बाद ऊपर क्या है पावर में वन बाई एम है। तो हमने कहा था ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ना। जब ब्रैकेट को ओपन किया गया पावर का मल्टीप्लाई हो गया तो इसको लिखेंगे ए पावर वन बाई एन एन एम। बात समझ में आ गया, यानी कि डायरेक्ट आप देखिए गई इसका इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी ए पावर वन बाई एम एन ठीक है। एम अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, रूट है तो वन बाई तो होगा कुछ ना कुछ, रूट है तो वन बाई होगा कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ की जगह क्या होगा यम इन टू एन, यानी कि ए पावर वन अपान क्या होगा एन बाई एम। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे वो समझिएगा। हमने कहा क्यूब रूट फिर उसका रूट टू पावर सिक्स की वैल्यू हमें बताइए। क्वेश्चन हमने रख दिया कि क्यूब रूट है फिर रूट है और टू पावर क्या है, यहां पे टू पावर सिक्स है, टू पावर क्या है सिक्स है, इसकी वैल्यू बताना है। तो अब आपको सारी चीजें सारे प्रोसेस के तौर पे यहां तक नहीं सॉल्व करना है, यहां तक सॉल्व करेंगे तो आपको बताना है कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आपके माइंड में ये चीज याद होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा फॉर्मेशन है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं टू पावर सिक्स के पावर क्या लिख सकते हैं, आप समझे टू पावर सिक्स के पावर क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू टू, यहां पर कुछ नहीं लगा यानी टू, थ्री इंटू टू क्या होगा सिक्स हो जाएगा वन बाई सिक्स, यम एन है ना यम एन यानी तीन गुड़े दो छः। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे टू पावर सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई सिक्स कैंसिल होकर क्या मिलेगा टू मिलेगा सिर्फ। तो ठीक है इतनी बातें आपको समझ में आ गई, हमने अभी तक घातांक और कड़ी के आपको रूल समझा दिए हैं और कुछ बातें होंगी जो कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, चलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि द वैल्यू ऑफ 9 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 27 पावर 3 इज, यानी कि आपको मान ज्ञात करना है कि इसका 9 के पावर 5 गुणे 3 के पावर माइनस 4 गुणे 27 पावर 3 का मान ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, इसको आप मैंने इंग्लिश में लिख दिया और हिंदी में बोल दिया है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं समझना है, बस सिंपल सी बात है इसी का मान ज्ञात करना है, इसी को सरल करना है, बात खत्म ठीक है ना। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन है सरलीकरण में करते थे, तो देखिएगा अगर इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलता है आपको तो आपको सिर्फ ये करना है कि पहले हम बेस को बराबर करेंगे, पहला काम बेस को बराबर करेंगे, जब बेस को बराबर कर लेंगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो बेस को बराबर करिए देखिएगा, और बेस में जहां तक छोटा हो सकता है ध्यान से इस बात समझिएगा, बेस जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो छोटा बेस आपको 3 दिख रहा है ना, तो उसी प्रकार से इसको भी 3 के फॉर्म में चेंज करिए, इसको भी क्या करेंगे 3 के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी सभी को 3 के फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। तो देखिएगा कैसे किया जाएगा, तो आप इसे 9 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 9 को सर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होगा ना, 3 के स्क्वायर 9 होता है और इसके पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो तो है ही पहले से, मल्टीप्लाई 3 पावर क्या होगा माइनस 4 इंटू देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 3 का क्यूब होता है 27 और उसके पावर कितना है 3 है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देखिए इसी जगह सब रूल जितना मैंने बताया ना सब अप्लाई होता है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 3 के पावर 10 गुणे 3 के पावर माइनस 4, फिर वही बात है ब्रैकेट ओपन होगा पावर के साथ गुणा हो जाएगा 3 गुणे 3 कितना होगा, कहेंगे 3 के पावर 9 3 गुणे 3 9 हो गया। अब देखिएगा अब अगला रूल ना, जब बेस बराबर है सभी का आपस में मल्टीप्लाई का सिंबल है, आपस में क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कहेंगे 3 के पावर 10 माइनस 4 और प्लस 9, जोड़ने का मतलब जो सिंबल है वो रहेगा, 10 प्लस में है तो प्लस, ये प्लस 10 होगा, इसके आगे प्लस नहीं दिखाया गया इसका मतलब प्लस होता है 10, इसके बाद माइनस 4 है तो माइनस 4 और ये क्या है प्लस में है तो प्लस 9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3 के पावर ठीक है, देखिए 10 और 9 हो जाएगा 19, आप माइनस कर दीजिए 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस 9, यानी आप इसे जब सॉल्व करेंगे 3 के पावर कितना आ जाएगा 15 ठीक है, तो यही आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो सरलतम मान होगा वो क्या होगा 3 के पावर 15 होगा। तो चलिएगा आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रूट में 2 पावर 4 प्लस क्यूब रूट में 64 प्लस 4 रूट में 2 पावर 8 का मान क्या होगा, यानी सरलतम मान आपको फाइंड करना है सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे पहले सॉल्व करें, देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और देखिए जो ये स्क्वायर रूट है इसको लिख देंगे ना 1 बाई 2, ये समझ में आया ना,
टू पावर फोर तो रहेगा, फिर ब्रैकेट लगाकर इस रूट की वैल्यू 1/2 लिख दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 64 जो 64 है वो क्या होता है, यहाँ क्यूब रूट है ना, तो इसको आप चेक करिए, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। 64 है तो यहाँ पे आप चेक करिए ये क्या किसी का क्यूब है, क्यूब रूट है, तो पहले चेक करिए, हो सकता हो। तो आप कहेंगे हाँ सर ये 4 का क्यूब होता है, तो आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख दीजिए या 2^6 की वैल्यू होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2^ अगर छोटे से छोटे, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि सबसे सिंपल तरीका है 4^3 कर लीजिए, फिर बाद में जैसा होगा उस प्रकार से चेंज कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 4^3 की वैल्यू क्या होता है, 4^3 की वैल्यू होता है 64, और ये क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगा 1/3 प्लस, यहाँ पे देखिए 2^8 है ना, तो आप लिखेंगे 2^8, अब इसके पावर यहाँ पे 4 है तो 1/4 हो जाएगा। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो मैंने कहा था पावर का पावर के साथ गुणा हो जाता है, तो आप कुछ इस प्रकार से इसे लिखते चलेंगे, ठीक है। 2^4 इंटू हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ प्लस 4^3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/3 प्लस हो जाएगा 2^8 है इंटू 1/4 हो जाएगा, बताइएगा। इतनी बातें समझ में आ गई है, तो ये 2^4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, उसका 3 का 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4^8 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, तो यहां से बचेगा 2^2 बचेगा, प्लस यहां से 4^1 बचेगा, जिसकी कोई मतलब नहीं है, 4^1 की वैल्यू वही होता है, प्लस यहां पे क्या बचेगा 2^2 बचेगा। तो 2 × 2 क्या होता है, तो कहेंगे 4 होता है, प्लस 4 हो गया, प्लस 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इनको आप जब जोड़ देंगे 4+4+4 कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब एक बार सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, कुछ स्टेप आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कि अगर 2^4 है तो आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि 1/2 होगा, जो कि कैंसिल होगा, 2^2 देगा, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। यहाँ क्यूब रूट है यानी ये 4 का क्यूब होता है, 4 हो गया, बात खत्म। 2^8 है यानी कि 1/4, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी 2^2 आ जाएगा, यहाँ लिख दिया 2^2। तो इस तरह से माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, कब, जब आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता होंगी तभी। तो चलिएगा आप अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ 3^x + 2 = 243 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब हिंदी में कहने का इसका यह मतलब है कि यदि 3^x + 2 = 243 है, तो अगर ऐसा है तो आपको क्या बताना है, x का मान ज्ञात करें। बात समझ में आ गया, यदि आपको बोला गया यदि 3^x + 2 = 243 होता है तो आपको बताइए इस x जो यहाँ पे x है इसका मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, तो अब समझिएगा आप लोग। तो अब इस टाइप के जब क्वेश्चन में पावर की वैल्यू पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन है पावर की वैल्यू, क्योंकि पावर पे x है तो x की वैल्यू पूछा गया है, यानी आप कह सकते हैं जब पावर की वैल्यू पूछा जाए तो कहीं ना कहीं बेस हमेशा आपस में बराबर होता है। बात समझ में आ गया, जब आपको पावर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं बेस आपस में बराबर होता है, ये अभी से अपने माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। तो बेस बराबर होता है, तो इसका बेस 3 है, तो इसका बेस भी तो 3 बनाना होगा, तभी तो बेस बराबर होगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे 3^x + 2, और थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि 243 जो है वो क्या होता है, 3^5 की वैल्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप सभी लोग आप ऐसे फटाफट कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना, 3 से कटेगा 81 आ जाएगा, ठीक है, 3 से 8 बार में, 3 से 1 बार में, इस प्रकार से 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से हो जाएगा 9, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे रैंडमली बता दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, 3^5 की वैल्यू। बात समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका। अब जब बेस बराबर है तो आप बोल सकते हैं पावर आपस में बराबर होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा, यक्स प्लस 2 बराबर किसके, 5 के, यक्स प्लस 2 बराबर 5 के, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5 - 2, जिसे आप बोल सकते हैं 3, तो यक्स का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सारी चीजें आपको क्लियर है, तो चलिएगा आप अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है कि यदि 8^2 × 8^2 = 2^2 ?/(2^6 × 4) ऐसा है तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी।
कहने का मतलब आप सभी लोग समझिएगा, इफ 8 पावर 2 इंटू 8 पावर 2 इक्वल टू 2 पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो आपको सॉल्व करके बताना है। तो अभी हमने कहा ना, जब भी पावर की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, बेस बराबर करेंगे, ये पहला आपको काम करना है, बेस बराबर करेंगे, जहां बेस बराबर हुआ पावर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा बेस सबसे छोटा बेस जो हो सके वो बनाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे दो है, दो से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आठ है इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आठ है इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी एट एट फोर को चेंज करना पड़ेगा, टू अपने जगह वैसे ही रहेगा। तो एट जो होता है वो टू का क्यूब होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि टू का क्यूब होता है एट, इसके पावर क्या है टू, वही टू का क्यूब पावर क्या है टू बराबर, इसको जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम यक्स मान लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह हम यक्स लेते हैं, इंटू टू पावर सिक्स इंटू फोर को क्या लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या करते थे हम, ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू पावर थ्री इंटू टू सिक्स, और टू पावर क्या हो जाएगा तो कहेंगे सिक्स हो जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, इक्वल टू टू पावर यक्स इंटू टू पावर सिक्स इंटू टू पावर टू। आप सभी लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 पावर 6 और 2 पावर 6 कॉमन है, कैंसिल कर दे, तो बिल्कुल आप चाहे तो कैंसिल कर भी सकते हैं या जोड़कर सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरीके से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के सॉल्व करेंगे तो भी बात वही होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 2 पावर 6 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है x प्लस 2, कितना हो जाएगा x प्लस सॉरी ये हो जाएगा 2 पावर x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी आप कहेंगे 6 बराबर x प्लस 2 के, यानी यहां से अगर x की वैल्यू देखा जाए तो x की वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी x की वैल्यू क्या आएगा 4 आ जाएगा। अच्छा अब अभी आप लोगों के माइंड में एक चीज चल रहा होगा, सर अगर ऐसा करना चाहे तो, अभी जो मैंने बताया आप लोगों के माइंड में ये डाउट जो है ना वो बहुत गलत चीज है, ये डाउट होना नहीं चाहिए, 2 पावर x इंटू 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 2, ठीक है ना, ये चीज था, इसको हमने यहां लिख दिया है। अब क्या करें, अगर बेस को आप काटना नहीं चाहते हैं दोनों तरफ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पावर 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 बराबर, यहां पे 2 पावर x 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बात समझ में आ गया ना, ऐसे आपने लिख दिया बेस बराबर पावर को आपस में बराबर कर देंगे, बराबर प्लस x प्लस 8 सॉरी 12 बराबर क्या होगा x प्लस 8, बेस बराबर पावर आपस में बराबर हो गए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 8 जिसे आप लिख सकते हैं 4, देखिए बात तो वही है ना, बात वही है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इफ 5 पावर a इक्वल टू 3125 और यहां देन द वैल्यू ऑफ 5 पावर a माइनस 3। क्वेश्चन है हिंदी में, यदि 5 के पावर a हो तो, यानी यदि 5 पावर a बराबर 3125 हो तो आपको बताना है, अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि 5 के पावर a माइनस 3 की वैल्यू क्या होगा, क्या बताना है 5 के पावर a माइनस 3 की वैल्यू क्या होगा, कब, जब 5 पावर a इक्वल टू 3125 हो। तो अभी हमने कहा ना कि अब बेस बराबर करेंगे तभी आप a की वैल्यू यानी पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब पावर की वैल्यू यानी a की वैल्यू पता होगा तभी तो आप यहाँ a की वैल्यू रख सकते हैं। तो कहेंगे कैसे निकलेगा, तो अब आप लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने बताया ना LCM मेथड से जब 3125 को कैलकुलेट करेंगे 5 से 625 ही आएगा, ठीक है ना, जब इसे फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 पावर a इक्वल टू ये 5 पावर 5 की वैल्यू होगा, ये तो आप लोग कर देंगे ना, 625 जो है ये 5 के पावर 4 की वैल्यू होता है, 5 पावर 4 की वैल्यू, और एक 5 यहाँ है तो 5 पावर 5, 5 पावर 5 की वैल्यू, तो a बेस बराबर यानी a की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है कि 5 पावर a माइनस 3 की वैल्यू क्या होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 पावर a की वैल्यू क्या है 5 है, 5 माइनस 3, ठीक है, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 के पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 है 2 आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज जो वीडियो हमने किया है
इसमें टोटल 5 क्वेश्चन किए और इसमें हमने अप्रोच जो भी चीज़ें थी घातांक और कड़ी को उसको बहुत अच्छे से समझाया है। उसे आप लोग नहीं समझ में आता तो वीडियो क्या करिए, स्टॉप करिए, बैठ जाइए, फिर से पढ़िए। अगर वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको घातांक और कड़ी का समझ में आ जाता है तो इस पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर में हवा ही नहीं लगेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और आने वाले समय में हमेशा बनेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, धन्यवाद।